के अंदर वो हिजाब पहन कर नहीं जा सकते, कोई भी मजहबी ड्रेस पहन कर अंदर नहीं जा सकते। ये फैसला अच्छा है। रियासत कर्नाटक के हाई कोर्ट ने ही फैसला सुनाया है जिसका इंतज़ार हमको कई दिनों से था और आज ये फैसला आया हुआ है। फैसले में उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सवाल जो है सिर्फ क्लासरूम का सवाल है, स्कूल का नहीं, कॉलेजेस का नहीं। क्लासरूम के अंदर वो हिजाब पहन कर नहीं जा सकते, कोई भी मजहबी ड्रेस पहन कर अंदर नहीं जा सकते। तो ये हिजाब जो है आप अपने घर में पहन सकते हैं, अपने घर से बाहर जब निकलते हैं तो बाज़ारों में पहन सकते हैं, अगर आप काम कर रहे हैं तो इंडस्ट्री हो या कोई और ऑफिस में आप जाएंगे तो वहाँ भी हिजाब पहन कर जा सकते हैं, सिर्फ क्लासरूम का मसला है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो आप स्कूल को आ सकते हैं, कॉलेज को आ सकते हैं, आप कोई मजहबी ड्रेस के अंदर क्लासरूम को नहीं आ सकते। और जहाँ पर यूनिफॉर्म वहाँ की कॉलेज की कमेटी ने प्रिस्क्राइब किया है वहाँ पर ये कानून लागू होगा। फॉर एग्जांपल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर कोई कमेटी ने कोई यूनिफॉर्म नहीं बनाया, अगर आप वहाँ हिजाब में जा रहे हैं तो वहाँ पर कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फैसला अच्छा है और कमेटी को हक है कि इस तरह का यूनिफॉर्म के बारे में एक रूल्स फ्रेम कर सकते हैं, और गवर्नमेंट को भी हक है कि वो अपने रूल्स यूनिफॉर्म के बारे में वो फ्रेम कर सकते हैं। एट प्रेजेंट जो है हम इस फैसले को तस्लीम करना है क्योंकि हमारे सामने जो है अमन का सवाल है, भाईचारगी का सवाल है। तो आप जज्बात में आके फैसला मत लो। मेरी कौम से मैं अपील करता हूँ, हमारे बच्चियों की एजुकेशन का सवाल है। आजकल जो है बहुत सारे बच्चियों कंपटीशन पैदा हो गया है कि मुझे भी डिग्री हासिल करना है, मुझे भी इंजीनियर बनना है, मुझे भी मेडिकल कॉलेज को जाना है। इस माहौल के ऊपर जो है बच्चियों में फ्रस्ट्रेशन आके रुकना नहीं। अगर आपको ये फैसला मंजूर नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हैं, मगर एट प्रेजेंट जो है इस फैसले को आप तस्लीम करना चाहिए, खैर मुकदम करना चाहिए और अमन का ख्याल रखिए, भाईचारे का ख्याल रखिए और अपनी तालीम को जो है कंटिन्यू करो क्योंकि एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं जिससे आपका करियर को कोई तरह का धक्का ना पहुंचे। मुझे उम्मीद है कि हमारी कौम के लोग जो हैं जज्बाती फैसला नहीं लेंगे, अमन के साथ जो है ज़िंदगी बसरने की पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया।